Imagine 11 lakh students competing for the competitive exam. That is one of the biggest in the country. And who may say 1.8 lakh get selected for the second level, the JEE Advanced. And 1.8 lakh, specially chosen, children, you beat everyone to get an All India rank 1. ऐसी अमेजिंग फीट को अचीव करने के लिए भी एक इक्वली अमेजिंग पर्सन लगता है एंड बिकॉज यू गाइज विक्वेस्टिंग फॉर दिस सो मच हमने एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी वेर आई वॉज रिएक्टिंग टू हिज हिज चेकिंग ऑफ रिजल्ट जो उसके इंस्टीट्यूट ने डाला था यू गाइज लव दैट वीडियो एंड आई नो हाउ मच यू गाइज वॉन्टेड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम हिम in this video we have with us Chidvilas uh, who is here finally at IIT Bombay. Hi Chidvilas, how are you? Hi, I'm it, I am good. कैसा लग रहा है यार मतलब IIT Bombay first week is done. How how is this मतलब I ये mean, new life I'm sure, I am sure मतलब JEE Advanced के बाद काफी different लग रही होगी, काफी interesting लग रही होगी. Yeah, so the campus is very good and this is a बहुत अच्छा experience है, new experience. इतना काली टाइम पहली बार मिल रहे हैं आई कैन इमेजिन मतलब मैं भी पहली बार जब ऐसे जेई के बाद इधर आते हो तो ऐसा लगता है यार हम तो पूरा टाइम पढ़ ही रहे होते थे एंड सडनली नाउ इट इज ऑल फ्री एंड यूट ऑफ टाइम एंड अ ग्रीड सो यार शिदविलास देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट द व्यूअर्स हैव सेंटेन और बहुत सारी चीजें वो जानना चाहेंगे लेकिन मैंने इसको पूरा कंपाइल कर दिया है टू अ फ्यू क्वेश्चन विच विल भी इजियर फॉर यू टू आंसर ठीक है इनके भी सब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे ऑफकोर्स यू कैन आस्कोर क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड वील ट्राई टू ब्रिंग शिदविलास

वेल well, कैसा लगे अगर कोई ऐसा साथी हो आपके साथ जो आपको इन सपनों को अचीव करने के लिए एक बना दे एंड फॉर ऑल दिस दिस इंडिपेंडेंस डे फिजिक्स वाला इज गोइंग टू बी दैट साथी जो आपको देता है hashtag, सपने देखने की आजादी इस इंडिपेंडेंस डे पे आपको वो मौका मिल रहा है जो शायद आपकी आई आई टी जे की प्रेपरेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेगा एंड टॉप एजुकेटर्स को

द प्रयास 3.0 इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेईस ड्रॉपर बैच जो आ, आपका रोड मैप हो सकता है आईआईटी तक का इसका प्राइस भी 3200 है एंड ये हिंदी में भी अवेलेबल है प्रयास जेई हिंदी के नाम से जिसका प्राइस सिर्फ टू थाउजेंड है इन सब बैचेस में यार आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर डीपीपी वीडियो सोल्यूशन टेस्ट सीरीज एवरी संडे रिविजन के लिए शॉर्ट नोट फॉर्मुलाइंड मैप्स एंड पियर टू पियर डाउट सोलविंग प्रोवाइड होती है

मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होती हैं।

तब ए आई आई टी जी ये सब नहीं था बस इंटरेस्टेड था साइंस और मैथ्स में तो ओके okay. एक नॉर्मल टेक्नो बैच ऐसे वगैरह वगैरह होता था हाँ उसमें जॉइन किया था ओके देन वेन आई वेंट टू माई हायर क्लासेस आई गोट इंटरेस्टेड इन एप्टीट्यूड एंड मैथ्स बिकॉज आई एक्सेल इन वन ओलंपिया नेम्ड आई एन टी एस सो उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स में लाइक अपलिफ्ट हो गया था ओके तो उसके बाद मैं डिसाइड हो गया था हमारा कंट्री में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें जाना है सो बेस्ट कॉलेज क्या था आईआईटी था सो देन आई डिसाइडेड आई नीड टू क्रैक जे एग्जाम एंड माय इंस्टीट्यूट आल्सो हैड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कोचिंग सो आई जॉइंट इन दैट पर्टिकुलर बैच विच गेव जे कोचिंग ओके एंड देन इट जस्ट वन दिस जर्नी ऑफ फाइव फोर फाइव ईयर्स फेक्ट सो सो सेसिकली हाउट स्टार्ट वॉज की मेरा साइंस मैच में इंटरेस्ट है यू गॉट इनरोल्ड इन अ बैच यू एक्सेल्ड इन एन ओलम्पियाड एंड उसके बाद मतलब द जर्नी बिकेम वेरी एपरेंट एंड वेरी क्लियर बिकॉज अफकोर्स इफ यू डूइंग वेल यू ट्राई टू एम फॉर द बिगेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री एंड अफकोर्स हीम ही गॉट इन ऑल इंडिया रैंक वन तो अब थोड़ा सा इस जर्नी के अंदर चलते हैं सिद्धविलास एंड आई एक्चुअली वॉन्ट टू नो कि वेन डिड यू स्टार्ट यूर जे जर्नी है सच मतलब जो जे की प्रेपरेशन होती है ना जो इलेवंथ ट्वेल्थ के टॉपिक्स है एक्जैक्टली जो सिलेबस है डिट्ट

ठीक awesome. है That actually makes sense. मतलब जो फाउंडेशन लेवल कोर्सेज होते हैं एंड अ लॉड ऑफ टाइम्स वी आर स्टार्टिंग इन नाइन्थ एंड टेंथ वो ऑब्वियसली एक सीट ले तो करता है बट वॉट यू आर सजेस्टिंग इज की इफ समबडी वॉन्ट्स टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वो प्रेपरेशन और सीरियसनेस स्टार्टिंग से आ जानी चाहिए इट्स नॉट जस्ट इलेवेंथ ट्वेल्थ जहाँ से तुम स्टार्ट करते हो तो यू कैन गेट सच एन अमेजिंग फीट या मतलब इट डिपेंड एक्चुअली ऑन द केस या अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑलरेडी था और एथ नाइन टेंथ में उतना जे रिलेटेड नहीं किया हाँ? लेकिन बहुत इंटरेस्ट है मैथ साइंस में या। और इलेवेंथ ट्वेल्थ में लाइक like एक पर्टिकुलर लाइक परफेक्ट गाइडेंस मिला तुम्हें और तुम्हारा बहुत मोटिवेशन भी है तो एलेवंथ ट्वेल्थ में ही क्रैक कर सकते या? अगर तुम्हारा मोटिवेशन मतलब उतना डेडिकेशन लेवल नहीं है अगर तुम्हें ऐसे लग रहे हैं देन आई थिंक अर्ली स्टार्ट वुड बी गिविंग यू सम पिकअप अप ओके सो दैट्स अ सेफ ऑप्शन वैसे मतलब एक चीज जो ऑनेस्टली मतलब सब पूछना चाहेंगे ठीक है लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं एंड नाउ यू हैव मेट योर फ्रेशर्स ठीक है यू हैव मेट योर बैच क्या तुम्हें एक्चुअली ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सिर्फ 11th में चालू किया था एंड नाउ दे आर इन आईआईटी बॉम्बे सीएस व्हिच इज लाइक द टॉप 50 रैक्स इन द एंटायर कंट्री ऐसे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स कोई यस मेरे फ्रेंड्स है और मेरा सीनियर्स भी ऐसे जो सिर्फ 11th में स्टार्ट किया जेई जर्नी हाँ टेंथ तक सिर्फ जो स्कूल में होते वो किया और थोड़ा सा ओलंपियाड्स के लिए मैथ्स में जो थोड़ा ज्यादा ऐसे किया तो Got it, got it. Yeah. So I think मतलब see चिदबिलास ने ये चीज बता दी है and of course I also keep telling you this thing कि आप जस्ट भी stage of preparation पे हो once you pick up that seriousness once you get dedicated towards that goal it's not very difficult to carve out your path and ऐसा नहीं होता मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को excuse दे देते हैं कि यार मैं तो sixth से नहीं पढ़ रहा था seventh से नहीं पढ़ रहा था all toppers do that that's definitely not the case जैसा इसने भी बताया but of course there are a few things that make a topper एंड उस चीज को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं शाहिद बिलास से सो ब्रो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन जेई मैथ्स मैथमेटिक्स सो हमेशा से ही मैथमेटिक्स था या एट सम पॉइंट कोई और भी लगा था जेई में या जेई का मैथमेटिक्स ही बहुत अच्छा लग गया जेई का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लग गया ओके okay. सो yeah. so, थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट इज योर गो टू स्ट्रेटजी इवन फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिफोर डेलविंग इनटू दैट कैन यू टेल व्हाट अ टिपिकल डे इन योर जई प्रिपरेशन लाइफ लुक लाइक मतलब लेट्स से यू गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वे यू हैड कोचिंग्स वो भी बता सकते हो अगर वीकेंड वीक डे डिफरेंट है तो बता सकते हो बट एक टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ रेड्डी कैसा था मतलब ड्यूरिंग जी तो एथ नाइन्थ ट्वेंथ में तो उतना नहीं था लाइक एट थर्टी से फाइव थर्टी तक स्केड्यूल ओके फाइव थर्ट के बाद कुछ ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई नहीं करता था आई यूज़ टू जस्ट स्टडी टिल फाइव थर्टी एंड देन एन्जॉय ऑफ्टर फाइव थर्टी ओके सो सीरियस प्रिपरेशन जब लेवंथ में स्टार्ट हुआ तो तब लाइक आई यूश टू वेक सो एयरली एट सिक्स और फाइव थर्टी समथिंग लाइक देट एंड देन आई इट यूज टू टेक सम माई इंस्टीट्यूट वॉज एक्चुअली फार फ्रॉम आई होम ओके सो इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन जर्नी एज़ वेल लाइक Half an hour, 45 minutes in journey. Got it. So when I reached the institute, the timings were around 7 to 7. Huh. So when This it was becomes, in 11th. Yeah, in 11th. Okay. 7 to 7, huh. almost. Yeah. And then after 7 o'clock, again, not much of study in 11th. Huh. दैट्स इंटरेस्टिंग मतलब सात बजे के बाद नहीं पढ़ते थे एंड स्टिल ही गॉट इन ऑल इंडिया रैंक तो सेवन टू सेवन पीएम बेसिकली इज व्हाट यू यूज्ड टू स्टडी इन क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ राइट और उसमें मतलब हाउ डिड यू डिवाइड द डे क्या मतलब एक पूरे दिन पे सेम सब्जेक्ट पढ़ाते थे या फिर हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ते थे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी क्या उसमें कुछ टाइम देते थे ओके okay. सो so, में तो लाइक like ज्यादा टीचिंग था लाइक इन ऑलमोस्ट ऑल द डे विल बी गॉन फॉर टीचिंग और उसके बाद थोड़ा सा टाइम सॉल्विंग के लिए मिलते है. तो सॉल्विंग में उस दिन जो भी पढ़ा है लाइक क्लास में पढ़ा है तो उसके रिलेटेड सॉल्विंग करते थे और उसके बाद लाइक सेवन ओ हो जाते और घर जाते लाइक एलेवेंथ में उतना सॉल्विंग नहीं होते जो टीचिंग तुम्हें तुम्हारा किया ना उसका थोड़ा सा बेसिक सॉल्विंग करके तुम्हारा टॉपिक स्ट्रेंथन करते तुम इलेवेंथ में और रिवीजन राउंड में ज़्यादा सॉल्विंग करते तो मेरा रिवीजन राउंड में ऐसा था कि लाइक क्लासेस बहुत कम हो गए लाइक ऑलमोस्ट टू टू थ्री आवर्स ऑफ क्लासेस एट मैक्स डे एंड बाकी पूरा सॉल्विंग होते थे सॉल्विंग ऐसे कि एक पहले कुछ बुक्स हैं तुम इस बुक्स को इस मंथ में कंप्लीट करना है ऐसे कुछ अलॉट करते थे लाइक इस वीक में इस चैप्टर इस वीक में इस चैप्टर ऐसे कुछ सो एवरी डे नीड टू अलॉट वॉट यू नीड टू सॉल्व डिवाइड द डे इन टू स्लॉट्स लाइक यू कैन यू दिस मेनी आर्स फॉर मैथ दिस मेनी आर्स फॉर फिजिक्स एंड सम आर फॉर केमिस्ट्री और यू कैन डू ओनली टू सब्जेक्ट्स इफ यू वांट टू डू यू कैन डू ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स इन ए डे इफ यू वांट टू डू तो ये चीज मतलब yeah. तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी दिस इज व्हाट यू हैड टू डिसाइड एंड यू हैड टू सबमिट या फिर वो डिसाइड करके तुम्हें देते थे योर कोचिंग uh, वो डिसाइड करते और हमें देते थे और okay. हम भी उसको मॉडिफाई कर सकते okay. लाइक हमारे अकॉर्डिंगली ओके सो देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू यूज्ड टू प्री प्लान योर डे एंड बहुत क्लियर रहता था कि मतलब मेरे को आज के दिन ये करना है डिड दैट दैट योर फेवर वाज अ गुड एंड एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग सो या इट्स ही इट इज़ एफिशियंट बट इट्स नॉट लाइक यू विल बी एबल टू कम्प्लीट ऑल द थिंग्स इन द डे कुछ कुछ ब्लैक होते वो सब होते बट द एम इज जस्ट ट्राई एज मच एज यू कैन ओके

रिविजन नहीं था लाइक ओके okay. टोटल लाइक अगस्त से स्टार्ट हुआ था ओके okay. सेकेंड ईयर में ओके okay. और पूरा रिविजन नहीं लाइक एवरी डे almost whole day is revision okay. and then we'll have like one and a half hours to two hours of classes revision okay. classes okay yeah. so yeah. matlab august tak class 12th ke august tak basically yeah. you had finished the entire syllabus once yeah. and fir jo backlogs the wo pura revision time ko diya matlab wo hmm. revision ke liye pura time use kiya and backlogs ko time yeah. diya that is also a very great strategy matlab agar aap jaldi syllabus complete karte hain you get more time to cover more things you get time to revise you get time to practice things and uh, for people asking when did he finish his syllabus So first would be safe to say August of class 12th. Yeah. ठीक है सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू शुड टेक अवे फ्रॉम दैट वीडियो कि जितना जल्दी तुम सिलेबस का फर्स्ट राउंड खत्म करोगे उतना ज्यादा तुम अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई कर पाओगे एंड स्ट्रॉगर कर पाओगे ओके सो चिजलास आई थिंक वी गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ योर डे वॉज एंड एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई करते थे बट ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू नो कि हाउ डिड शिदलास मैनेज हिज फ्री टाइम क्योंकि बीच में जब ब्रेक्स लेते हो या फिर रात को लाइक यू सेट सेवन पी एम के बाद में नहीं पढ़ता था वट डिड यू इंजॉय डूइंग या हाउ डिड यू

I w what I would recommend is you know whenever you get time, don't waste it for watching movies or something because you'll get a lot of time later on after Jay e. journey for movies and all of them yeah.

एवरीबडी यूजली आस्की बुक्स यूज करते हो ठीक है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बुक्स इज द टूल इवन दो इट्स नॉट मतलब एंड आई होप आर व्यूअर्स नो दैट बिकॉज वे यू सॉल्व दो लव टू हियर योर ओपिनियन ऑल्सो ऑन दिस की जिस तरीके से तुम बुक सोल्व करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट बट एनी वेज दस गेट टू नो एक बार सब्जेक्ट वाइज की वट बुक्स वर योर फेवरिट या तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी बुक्स था यू कैन ऑलसो से यू स्टार्टेड विद कोचिंग मटीरियल एंड ऑल तो मतलब कौन सी बुक्स सोल्व करते थे यूजली एक चैप्टर के लिए यू कैन शेयर

that's interesting. so these three books are uh, what he used for physics. what about chemistry? Uh, usko sort of split curriculum, of course, because okay. let's start with physical chemistry. Yeah. so for physical chemistry, we were allotted to solve Neeraj kumar yeah, and yeah. narendra Vassi. okay, but i solved like only 20% of that in whatever allotted. okay? because i did not have much time for chemistry in first year. Ah. so did not solve that much in chemistry. okay?

परफेक्ट ठीक है एंड फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एम एस सी एंड एच पी ओके एम एस चौहान एंड हिमांशु हिमांशु पांडे ओके परफेक्ट ठीक है आई थिंक आर बुक्स यू गै कैन इजिली फाइंड आउट एंड मिल जाएंगी तो मैं लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स लास्टली दैट्स वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट सो विच वॉज योर दी मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट ओके सो आई सॉल्ड लॉट ऑफ बुक्स बट you can in general solve sl only for trigonometry and yeah. coordinates geometry okay and for algebra in general you can use vinay kumar both the parts okay and for functions and graphs and other subjects other topics also yeah. you can use vinay kumar like there is five parts of vinay kumar total okay so for differential calculus integral calculus algebra and functions and graph all the five parts of vinay kumar are very good and you can use them ओके एंड व्हाट वाज योर ऑर्डर ऑफ डूइंग दिस मतलब डिड यू लाइक फर्स्ट रीड द कॉन्सेप्ट्स एंड देन व्हेन यू फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ चैप्टर देन यू मूव ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर यू डूइंग इट टॉपिक वाइज कि यार ये वाला टॉपिक पढ़ लिया अब इस बुक से करते हैं ये वाला टॉपिक पढ़ लिया अब इस बुक से करते हैं सो आई डि नोट मैंने बुक से टॉपिक्स नहीं पढ़ा था कब ओके आई नेवर लाइक रीडिंग थ्री थ्री री फ्राम अ बुक ओके मैंने बुक सिर्फ सॉल्विंग के लिए यूज किया था ओके, okay, so yes. सो वो करते हुए hmm. एंड उसके बाद फॉर वेरियस yes. so, बुक्स पूरी तो नहीं करी होंगे जो जो पूरी पूरी करी है सारी? नहीं, पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन मैथ्स में तो ऑलमोस्ट 80 टू 90% हो गया ओके okay. फिजिक्स में थोड़ा सा कम 60 7% हां रही है, मेरा छूट रहा है इफ यू आर क्लियर अबाउट द ये भी मतलब नहीं है इसका कि आप मेहनत ही ना करो या आप छोड़ दो किसी बुक को uh, लेकिन अगर आप क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है सो इवन इफ यू आर स्किपिंग सम पोर्शंस ऑफ द बुक बिकॉज ऑफ टाइम स्पेशली इन योर इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी दैट्स कंप्लीटली फाइन उसके पीछे पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकता है even, uh, by skipping those parts, but you get the point. Right? Don't skip it because you want to all-in-a-rank one, but if you're skipping it, you can still get it. Anyways, so uh, uh, let's talk about your consistency a little bit, because one thing which a lot of people struggle with in such an important prestigious examination is facing demotivation. लैक ऑफ़ एनर्जी आ जाती है यार वन डे हम एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई आज तो मैं फोड़ दूंगा सब कर दूंगा ऑल इंडिया वन मेरा ही है एंड द नेक्स्ट डे वी कैन बी एज लो एज भाई मेरा जे क्लियर भी नहीं होगा ठीक है एंड बीइंग ऑल इंडिया वन आई एम श्योर यू हैड दोज मोमेंट्स इन योर प्रेपरेशन एज वेल जहाँ पर अनसर्टिनिटी आ रही होगी तुम्हारे को अपनी एक्सपेक्टेशन से तुम्हारी परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही होगी सो so, पहली बात तो डिड दट हैपन एंड इफ दैट हैपन हाउ व यू एबल टू बाउंस आउट ऑफ इट

तुम्हारे प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं राइट right. जो भी तुम सोल्व कर रहे हो तुम्हारे से हो पा रहे वो लाइक कॉन्सेप्ट सही से समझ आ रहे हैं एंड यू आर एबल टू डू द प्रॉब्लम्स परफेक्टली जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड रिगार्डिंग द रिजल्ट यू नी नॉट फोकस ए लॉट सो रिगार्डिंग अप एंड डाउन आई हैड एट ऑफ अप एंड डाउन लाइक इन वन स्टेज डूरिंग माई प्रिपरेशन आई वॉज इन दिडल ऑफ ट्वेल्थ क्लास सो आई गेव दिस ओलंपियाड एन एस सी पी एंड I was doubtful whether I will even clear the level one or not. Okay. So such things will happen sometime in your journey. Yeah. But what? How I came through it was, I just did not get too disappointed by that. Huh. Just left that and I kept my process going on. I just kept on solving things and uh, just followed the same process that I followed from the starting. Yeah. I did not get so disappointed by that, not almost not getting qualified level one of NACP. Okay.

यहाँ पे मतलब अगर आप इमोशनल हो जाते हो या बहुत ज़्यादा अपने आ, रोने धोने में टाइम वेस्ट कर देते हो सो द एनर्जी टू एक्चुअली एग्जीक्यूट थिंग्स एंड गेटिंग बेटर एट व्हाट यू हैव नॉट बी डूइंग गुड एट वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे अगर आप उसमें ज़्यादा बह जाओगे इमोशंस में सो यू नो सम्पटी टेक्सित विलास अगर वो नहीं क्लियर करता अपना एन वो आराम से सोच सकता था मतलब यार ये तो स्टेज वन है ओलंपियाड का हाउ विल आई एवर गेट एन ऑल इंडिया रैंक वन बिकॉज यार ऑल इंडिया रैंक वन वाले लोग तो सारे ओलंपियाड्स क्लियर कर देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो अगर वहाँ पे ही

है डिफरेंस लाइक जय मेन और एडवांस में बहुत है बट आई वु रिकमेंड दैट यू शूड फ्रॉम द स्टार्टिंग दिस सेम प्रिपरेशन बट इन दैट बिफोर जय मीन्स चेंज यूर स्ट्रेटेजी एंड वर्क ऑन दी ए पेपर्स एंड प्रीवियस मेन्सर्स got it got it yeah i think that makes a lot of sense and uh, if if you're actually making a constant plan a common plan till one month before j main that's completely fine when j -Main is a lot of time, like last month he said up you can switch a little bit to your j mains preparation you can start solving the nta papers previous year questions and more j main level yeah, type of questions and after that you can switch completely to j advance once your j mains is over um, so Chidvilas, i think uh, this has been very insightful and we are almost at एंड ऑफ द इंटरव्यू बट एक चीज जो मतलब मैं तुमसे चाहूंगा फॉर द व्यूअर्स इज इज एनी टिप या ऐसी कोई जनरल एडवाइस जो तुम एक कैंडिडेट को देना चाहते हो वैन यू लुक बैक एट दीस्ट टू ईयर्स ऑफ योर प्रेपरेशन आई एम श्योर जिंदगी में काफी कुछ ये दो साल प्रेपरेशन के सिखा के गए होंगे एंड यू नो

Let's let's hear you Matlab giving advice to future aspirants and how they can make the best out of their attempt so the f first advice that I'll give is my experience with the JEE journey it was like to make not beach is like directly nahi like uh, in today's world there are a like, lot of resources out there in the internet in the form of books but not all of them are good like some of them are made just for the sake of like uh, like they may take you in the wrong path or they may take you in the right path. Hmm. So what you have to spend is you have to spend your time in knowing whether a book is useful for you, whether hmm. doing something is useful for you, hmm. and keep on changing your strategy in hmm. the like journey. Hmm. Like this week you have done this thing, hmm. even then like something is wrong with this book or with this material or something. Discuss with your teachers, change the strategy again. So you won't get it easily by asking someone. Which book do I need to solve uh, for this chapter? I'm not understanding. What material should I solve? it is not that easy but what i would recommend is just take uh, in general take advice but don't depend on like rote. like don't depend on someone's strategy build your own own strategy for JE. Hmm. like keep effort and learn what will make you better in yourself like how can you be, get better in JE preparation so keep on making your own strategies and check what works for you hmm. परफेक्ट आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वॉट वर्क बेस्ट फॉर यू ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली बिकॉज कम टू रियलाइज कई बार ऐसा होता है कई आस्परेंस की जर्नी में ऐसा होता है कि वो एक ही चीज को उठा के उसको करते रहते हैं दे डू नॉट चेक देम सेल्फ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट पे चेक करना एंड लुक बैक करना कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या ये रिसोर्स मेरे लिए सही चल रही है क्या मुझे मेरे रिक्वेस्टेड रिजल्ट मिल रहे हैं इफ़ नॉट चेंज दैट प्लान इट्स अ डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस आपको अपना इनपुट चेंज करते है ना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू रीच टू मतलब ऐसा होता है ना कर, मतलब अगर तुम अपना स्टीयरिंग व्हील सीधा रखोगे ठीक है और अगर रोड ही टेढ़ी हो गई तो तुम तो उतर जाओगे ना रोड से तो जैसे जैसे रोड बदलती है आपको अपना स्टीयरिंग व्हील भी उसी डायरेक्शन में बदलना पड़ता है इफ यू वांट टू स्टे ऑन द करेक्ट पाथ टू योर गोल एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन थैंक यू सो मच दिलास एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम पहले तो एंड फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स आई एम श्योर यू डू वेरी वेरी वेल बट नो प्रेशर एंजॉय करो कॉलेज लाइफ है एंड देर इज अ लॉट ऑफ फन दैट इज एक्चुअली प्लान